बाहुबली विधायक राजा भैया के पिता को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट। दरअसल राजा भैया के पिता उदय सिंह के गांव में शेखपुर की ओर जाते रास्ते पर मुहर्रम का एक गेट लगाया गया था, जिसको लेकर वो धरने पर बैठे थे। उदय सिंह प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इस गेट को यहां से हटा दिया जाए, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को लेकर हुई है। कुंडा के SDM ने धारा 144 के तहत उन्हें हाउस अरेस्ट किया। उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उदय प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि प्रशासन ने इस गेट को लगाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। हम चाहते हैं कि एक इलीगल गेट बना दिया गया है एक समुदाय द्वारा, और दूसरे समुदाय को मजबूरन उस गेट के थ्रू जाना, नीचे से झुका के ले जाना पड़ता है। अब आइए आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल राजा भैया के पिता गांव के एक मामले को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। उनके गांव में मस्जिद से पहले एक गेट बनाया गया था। इस पर राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने विरोध जताया था। इस गेट पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। उनकी मांग थी कि सरकार इस पर कोई फैसला ले, उस गेट को यहां से हटा दिया जाए। इस दौरान गेट पर प्रशासन ने नोटिस लगा दिया है, जिसमें लिखा है कि उदय प्रताप सिंह को बाहर नहीं निकलना है और किसी से भी मिलना नहीं है। उदय प्रताप सिंह प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट करने के बाद वहां की जनता में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कुंडा क्षेत्र में सभी दुकानों और बाजारों को बंद कर दिया गया। उनके महल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाता है या फिर इस पर एक नई सियासत शुरू होती है, क्योंकि बाहुबली विधायक राजा भैया भी क्षेत्र में बड़ा दमखम रखते हैं। अब सवाल ये कि क्या सरकार और प्रशासन को राजा भैया के पिता के मांग को मानना पड़ेगा या फिर प्रशासन उन्हें समझा पाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।